ये तेज बारिश होती है वो दिखाई दे मेरा आपको जीने से फिर पानी आ गया बस। तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल साहुल कटारिया व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं एक और व्लॉग को स्टार्ट और टाइम हो रहा है, अभी मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग, स्टार्ट करूँ 3 बजे से। तो आज बस सुबह से स्टार्ट करने की सोच रही थी बट टाइम नहीं मिला, फिर मैं आपको काम करने लग रही हूँ, दिखाऊंगा आपको, अभी दिखाऊंगी नहीं ज़्यादा क्योंकि मम्मी की साड़ी है एंड करवा चौथ के लिए रेडी हो गई, तो बस इसलिए मैं दिखाऊंगी इतना थोड़ा सा ही दिखाया। तो जी बस अब मैं इसमें ही काम में लग रही थी, घर का काम वगैरह करके, और छोटे वाला बेटा भी ऊपर आ गया था तो उसको दूध वूध पिलाया, फिर वो सोया नहीं है, उसके बाद मैं उसको खाना देकर आई हूँ, उसको भूख लग रही थी तो इसलिए सो नहीं रहा था। एंड बस अभी मैंने आपको दिखाया जैसे कि बारिश हो रही है और बस हो रही है कल से ही और लगातार हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, और ऑफिस वालों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम लोग तो घर में बैठे हैं क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता, हम लोग घर में बैठे रहते हैं आराम से के नीचे, एंड जो ऑफिस वाले होते हैं वहाँ बेचारे खराब होते हैं। वैसे तो मेट्रो से जाते हैं मेरे हस्बैंड भी बट बीक तो जाते हैं, वहाँ की रास्ता तो पड़ता ही है ऐसे ही, तो छोटे वाला देवर है वो बाइक से जाता है बट फिर भी वो कल इतना भीग गया ना कि बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा भीग गया था वो, आते आते उसको इतना लेट हो गया ऑफिस से, एक तो फिर इतना भीग भी गया, सारे ही गीले कपड़े हो गए थे उसके, एंड कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, धोते रहो बट सूख ही नहीं रहे कपड़े, तो आज इसलिए हमने मशीन भी नहीं लगाई, कपड़े भी नहीं वॉश करे आज। और आज था मेरे जो मेरे दादा ससुर हैं उनका एंड जो मेरी ताई सास है उनका श्राद्ध था, तो श्राद्ध हमने निकाला था सुबह जो कि बना था खाने में आज हलवा पूरी एंड आलू गोभी की सब्जी, और कल को भी श्राद्ध है, कल को है अभी मेरे को पता नहीं है, कल को भी है श्राद्ध, बताऊंगी मैं अगर मेरे याद आ जाएगा तब बता दूंगी आपको, कल को भी श्राद्ध है तो बस कल तो बनेगी खीर और रोटी और सब्जी वगैरह जो भी बनेगी, तो कल तो कुछ खास ऐसा है नहीं बस, और परसों तो मावस है ही, आप सबको पता है मावस तो सबके ही पूछती है, सारे देव पितरों के लिए खाना निकलता है मावस वाले दिन, तो जो हम भूल गए हैं उनके लिए भी, जो निकालते हैं उनके लिए भी, सबके लिए, जो भाई कि आज के दिन आप आओ सब खाओ अपना भूख स्वीकार करो, तो इसीलिए मावस वाले दिन तो सबके बनता है। तो जी बस एंड मैंने अभी ये दुपट्टा डाला है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं ना सिर्फ अपनी ये जो आँख की वजह से ही बना रही, कुछ मेरा जो मुँह है ना बहुत सूजा सूजा सा लग रहा है कई दिनों से जब से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो जी बस अभी जैसे सब ठीक होगा, पर मन तो करता नहीं है ब्लॉग बनाने का बट बनाना पड़ता है क्योंकि ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ ऐसा लगता है खाली खाली सा लगता है, तो बस मैंने इसलिए स्टार्ट करा। और देखो बादल पीछे कैसे कर रहे हैं, गड़गड़ गड़गड़ कर रहे हैं, बोल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं बादल, अभी मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो वो इसी बात पर ऐसे पड़ते, मैं बोल रही जैसे गड़गड़ कर रहे हैं, जैसे कहते हैं गरजना, बादल गरज रहे हैं आजकल, तो हस्बैंड भी गरज रहे हैं, साफ बात यह है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, साफ बात यही है, हस्बैंड भी ज़्यादा गरज रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया है ये आजकल के हस्बैंड को, कहते हैं ना आजकल की बीवियों को क्या हो गया, नहीं जी आजकल के पतियों को क्या हुआ है पता नहीं, अबे तो आता नहीं है समझ में, समझ से बाहर है हमारे तो। क्या है ये बग्गी, बग्गी कान्हा जी की बग्गी, चलो लेके चलो, कैसे लेके जाओगे, हाँ ऐसे चलो 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 चलो, और यहाँ सब मिक्स कर रहा है मस्ती, यहाँ टोटो लग रहा है, इन्होंने उठा रखा है कान्हा जी का झूला, इश्क तेरा मेरा
घर से। काना देख रहे हो गाइस कैसे कैसे कर रहा है। गिरा ला ए, इसने तो खोल लिया ये। अभी आ रही हूँ। सांप निकाल लिया देखियो। अब इसकी एक बार हवा चला दी ना भाग जाएगा या इसकी आवाज सुनते ही। चला देखो अभी इसे डराइयो इसके ऊपर ही छोड़ियो हवा। अब टूट गया। भाई कैसे कर रहे इससे छोटा तो उड़ जाएगा। टोटो क्या था ये? टोटो क्या था ये? ले 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 अभी डर अभी चल लगी ना अभी रोएगा कद्दू कारा को रोना है रोना रोना है और कहाँ चढ़ गया और छेड़ेगा फिर से फिर जाओगे वहां टोटो के ऊपर की सारी धूल लट गई। बैम की धूल है बैम की धूल लट गई। फिर दोनों से पूछना है तेरा जीप कट जाएगी इसमें। सूख गया कच्चा टोटो का कच्चा सूख गया ना। तो देखे गाइस अपनी बुआ के पीछे पीछे चला गया अपने कच्चे सुखवाए। और ये लग रहा है फोन में कल इसका रिजल्ट पता चलेगा क्या करके आए ये साफ रिजल्ट उसमें एग्जाम में देखते हैं। इनका कोई ब्लॉग शूट नहीं करा जब मैंने बच्चों को दिखाया था उसके बाद में क्योंकि मैं गई थी बाहर मार्केट में जो मैंने आपको बताया था ना तो वो कुछ उसमें थोड़ी वो हो गई थी तो मैं और मम्मी फिर देखने गए थे। मम्मी ने बोला था कि अगर तुम्हें ये इतना पसंद नहीं आ रहा तो एक बार सामने से देख लेना। फिर मैं गई थी तो देखा तो बारिश की वजह से ना पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है बहुत ज़्यादा रोडों पे जा नहीं पाए हम वापस आ गए जाके मेन रोड तक और फिर वापस आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो फ़ोन मैं लेकर नहीं गई थी क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था मेरा और क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी इसी वजह से ब्लॉग भी आगे नहीं कंटिन्यू पाया। उसके बाद में जब लाइट आ गया फिर मैं फटाफट वहाँ से आते ही अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया मैंने कहा थोड़ा सा इसमें ये चार्ज हो जाएगा और दूसरा मैं फटाफट खाना बनाने लगी क्योंकि 7 बज चुके थे। तो इसीलिए बस खाने में आज बनाई थी मैंने मसूर की दाल जो लाल मसूर की दाल होती है वो बनाई थी और रोटी बस सिंपल। तो कल सुबह है श्राद्ध जो मेरे जेठ लगते हैं उनका श्राद्ध है तो जी बस सुबह जल्दी उठना है फिर इसीलिए इस ब्लॉग का मैं ये एंड कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और
मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट।